इस वक्त की बड़ी खबर आबू रोड से आ रही है, जहां दृष्टिहीन महिला राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर पानी लाने को है विवश। जलदाय विभाग की लापरवाही से हो सकती है जनहानि। आबू रोड नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 में हनुमान टेकरी के समीप जोड़िया पली में है पानी की समस्या। दृष्टिहीन महिला जमुना देवी के पति और बच्चे नहीं होने के कारण स्वयं को राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर पानी लाने को ही विवश। क्षेत्र के लोग पिछले 2 माह से पानी के लिए तरस रहे, लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश है आमजन। जलदाय विभाग की कार्य प्रणाली से आमजन में रोष का माहौल। सहायक अभियंता के खिलाफ जनहित में फोन नहीं उठाने एवं संतुष्ट जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं लोकेश सोनी आपका साथी देवनगरी इंडिया न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं आबू रोड की जोड़िया फली में, जो कि नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 में आता है। यहां के स्थानीय निवासियों को पानी की समस्या को लेकर बड़ी गंभीर समस्या यहां सामने देखने को आ रही है। यहां पर ऐसा दिखता है या ऐसा सुनने में आया, जानकार सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चल रहा है कि जो पानी की जो व्यवस्था कर रखी है वो नियमित तौर पर ना होकर और 1 या 2 या 3 मटके पानी की व्यवस्था ही नल के द्वारा खोला जा रहा है, जिससे इतना ही पानी ग्रामीणों को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं उपस्थित है, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे और क्या कुछ जानकारी निकल के आ सकती है समस्या के संबंध में। तो माजी, आपका नाम? जमुना। तो पानी की लेकर कोई समस्या है? बहुत है। बताओ क्या समस्या है? पानी मैं देखती नहीं हूँ। एक बात तो है, किसी मेरा औलाद नहीं, मेरा आदमी नहीं, मैं कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ पानी लेने जाती हूँ? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक समस्या ये देखने को मिल रही है कि एक माताजी है जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, इनको भी पानी की ज़रूरत है। पानी की सबको ज़रूरत होती है, मनुष्य को पानी की ज़रूरत होती है, जीव जंतुओं को भी पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के किसी का जीवन मतलब चल नहीं, सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर एक माताजी है जो अपनी आँखों की दृष्टि खो चुकी है, उनको पानी लेने जाने के लिए भी सामने नेशनल हाईवे नंबर 24 पार करके जाना पड़ता है। अब इससे बड़ी दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है विभाग के लिए कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी पानी के लिए तरस रहा है। और भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? मैडम, आपका नाम? पूजा देवी। पानी को लेकर कोई समस्या है? हाँ, बच्चा, छोटे छोटे बच्चा बच्ची को रोड पार करके 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही है कि 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है या आखिर ऐसी क्या कारण है कि लोगों को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेने जाना पड़ रहा है? जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, तो प्रशासन अलर्ट है आम जन को हर संभव राहत प्रदान करने के लिए। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि ADM साहब ने रात्रि में दौरा किया था, PHED का, RACB का और अन्य विभागों का भी दौरा किया था, जिसमें स्थितियों को सुचारू बनाए रखने के लिए और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों के निर्देश, स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पा रही है। इसी संदर्भ में हम यहाँ स्थानीय एक सर हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हीरा भाई है और 2 महीने से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। 1-1.5 किलोमीटर दूर से रोड 4 लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं, एक्सीडेंट और जनहानि की पूरी संभावना। उसके बाद भी प्रशासन ये दौरे कर रहे हैं, आला अधिकारी ADM साहब, और ये हर जगह जा रहे हैं, लेकिन ये जोड़िया 2 महीने से एकदम उन लोगों से, अधिकारियों से अछूता है। ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है, ना पानी की व्यवस्था कर रहा है। और ये हेमंत जी सर, यहाँ इनको सालों हो गए जो फ़ोन भी नहीं उठाते, ना कोई जवाब देते, ना इनके जो पानी खोलने वाले उन कर्मचारियों को भी कुछ सलाह दे के, और 3 या 2 मटके भरने के बाद में बंद कर देते। दारू पी के पूरे दिन घूमता रहता है वो जो नल चालू करता है वो आदमी, और फ़ोन उठाते नहीं। ऑफिस में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ भी कंप्लेन करे। ये 2 महीने से ये लोग भुगत रहे हैं और इसमें लाचार लोग है, सूरदास है, बिल्कुल जन्म से अंधे है, वो भी पानी के लिए भटक रहे, एक मटकी पानी के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन हर जगह जाके अपना दावा कर रहा है, वो सब झूठा है, फेल है। आज इस कंडीशन में इतनी हीट वेव चल रहा है, उसके बावजूद भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं इस गाँव के अंदर।
200-300 घर की आबादी है, रोड से ऊपर आया हुआ है, पानी नाम मात्र का आता है, हाइट पे है, इसके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था ढंग से की गई है, एक दो मटकी भरती है, 3-4 दिन में एक बार देते हैं और उसके बाद में काट देते हैं, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जवाब नहीं है ना। आज दिन तक यहाँ की जो पार्षद है वो आके खड़ी रही, पार्षद को लोग जानते ही नहीं है, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है, खाली पेपर में उसके आदमी फोन उसके आदमी के पास रहता है, वो कहीं फैक्ट्री में जॉब करता है, जैसे उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो स्विच ऑफ कर देता है, अधिकारी भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस टाइप से लोग भुगत रहे हैं और लोगों को मतलब आज की डेट में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये गलत है और ये ऐसा सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था करनी चाहिए, और इन अधिकारियों को या तो कहीं भेज दे, वे इतने लंबे समय से पड़े हुए लोगों की व्यवस्था नहीं कर रहे और तानाशाही करते हैं, सुनने को तैयार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं आज की डेट में, भले पानी के लिए मरो लोग और खूब परेशान है। एक दो मटकी से क्या होगा, पूरा परिवार पालना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, सब बनाना पड़ता है, लेकिन पूरे गांव को अनदेखा कर रहे हैं लोग, पूरे गांव में मतलब वार्ड नंबर 38 के अंदर बिल्कुल अव्यवस्था है, पानी की जीरो पे पड़ा है और 2-3 महीने से परेशान है सब लोग, ऊपर तक कंप्लेन की, 181 पे कंप्लेन की, आज सुबह भी की, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई अधिकारी यूँ नहीं कह रहा है कि हम व्यवस्था करवाएंगे, अब क्या किया जाए, किसके पास फरियाद लेके जावे, अब इससे ज़्यादा, और इन लोगों को देखो, इनसे पूछो आप। ठीक, तो जिस प्रकार से समस्या निकल कर बाहर आ रही है कि अधिकारियों को भी सूचित किया जा रहा है स्थानीय लेवल पर, लेकिन साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी किसी सूचना दी जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की शक्ल तक नहीं देखी है, अब कौन है क्या है वो तो अब वही बता सकते हैं कि क्या समस्या है, किस प्रकार से समाधान हो सकता है। माता जी आपका नाम? सीता। क्या समस्या है गांव की? कोई सुविधा नहीं है साहब, खूब दुखी हुआ, मैं रोड पार करने की कैसे पानी लावा ले ली, मेरा दुखी हुआ ना ना पानी तो पीना दो जगह टंकर डाला डाल थाका में तो टंकर डाला तो वो बराबर डेली वो मैं टंकर तो नहीं डाला पिया लिया तो डेली पानी के साथ मैं फोन कर पार्सल ना थाका था पार्सल टेक देता नहीं मैं ऑफिस में जाए ना एक डालू तो कभी मेरा पानी सविता करो मैं वैल लो वैल नहीं दे तो मनो कोई भी सविता करो तो कोई टेक नहीं देता। पानी का टंकर कितने का आता है? पंगड़िया टंकर 450 रुपया लगता है। 450 रुपये? ₹450 का एक टैंकर मंगाने के बावजूद भी यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम लक्ष्मण भाई है। क्या समस्या है? पानी की बहुत दिक्कत है भाई साहब, और नहीं यहाँ से नल लेके भी ऊपर वाली लेन है उसमें तो बिल्कुल आया भी नहीं, और 2 महीने से तो नीचे वाली लेन में नहीं आता, ऊपर वाले तो बेचारे सिल्लाते और दूसरे के वहाँ पानी भरने के लिए जाता, रोड क्रॉसिंग करके वो एलएनटी है वहाँ से भी पानी लाता, वो गेल की एलएनटी है वहाँ से भी पानी लाता, और रोड के नीचे वो दशा माँ का मंदिर है वहाँ से भी पानी लाते, बहुत दिक्कत है, बच्चे लेके भी साथ में जाते, कोई अंधे लोग है वो भी पानी लेने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती नहीं जाते, परेशान इतना पानी के बारे में बहुत है। और आप ये देखो नाली भरी हुई पड़ी, नाली न कोई साफ करते और न कोई कसरा वसरा होता, वो भी गाड़ी नहीं आती है, और वो चेयरमैन अपने उनके वार्ड मेंबर के फ़ोन करते हैं तो कोई जवाब भी नहीं देता, बोले कि आ रही है गाड़ी और कोई आती नहीं है, और शक्ल भी नहीं देखी, और पानी के लिए तो बहुत समस्या है, और बोले कि पानी बिल नहीं भरते, भरे कहाँ से, और आधे भरते भी है और नहीं भी भरते, बाकी समस्या बहुत है, तकड़ी है, आज जानवर भी पानी के लिए नहीं रह सकते तो इंसान कैसे रहे। तो जिस प्रकार से यहाँ जो जटिल समस्या निकल कर सामने आ रही है वो पानी की ही समस्या यहाँ दिखाई दे रही है, किस प्रकार से यहाँ पर पानी को लेकर यहाँ लोगों में आक्रोश दिख रहा है। अब हम आपको साथ ही एक चीज़ और दिखा पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो नाली है उस नाली की भी ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हो पाई है। अब जिस प्रकार से एक सफाई व्यवस्था की भी स्थिति यहाँ सामने देखने को मिल रही है। अब रोड से लोकेश सोनी की रिपोर्ट।